Hey guys, welcome to Study Sphere. We are once again here in front of you with another interesting video. So like, share and subscribe. So today's topic is basically टम्बरलेन बाय क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एरा का एक बहुत फेमस ड्रामा है और ये लेट 16th century में क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। क्रिस्टोफर मार्लो एक बहुत बेहतरीन प्ले राइट जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि अगर उनकी उम्र ज़्यादा होती तो वो शेक्सपियर से बड़े ट्रेजिडियन बन सकते थे, बड़े प्ले राइट बन सकते थे और इनके जो वर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ट्रेजेडी बेस्ड ये राइट डाउन करते थे ज़्यादातर। टम्बरलेन इन्होंने 16th century की बिल्कुल लास्ट डेकेड्स में लिखा था और ये बेसिकली टू पार्ट्स में था। फर्स्ट पार्ट इसका सक्सेस से भरा हुआ था जो टम्बरलेन की सक्सेस दिखाता है एंड सेकेंड पार्ट में उन्होंने इसके डाउनफॉल को मैंशन किया था जो कि आपको पता है ग्रीक ट्रेजेडी की एक रिक्वायरमेंट सी होती है कि वो एंड पे डाउनफॉल ऑफ हीरो या प्रोटैगनिस्ट हो जाता है। तो ये जो ड्रामा है ये कैरेक्टर के गिर्द रिवॉल्व करता है, दैट इज़ बेसिकली टम्बरलेन। और ये एक ऐसा बंदा था जो रूथलेस किस्म का, ब्रूटल किस्म का बंदा था जो कंक्योर करता था, यानी उसने बहुत ज़्यादा फतूहत हासिल की थी, बहुत ज़्यादा किंगडम्स उसने अपने अंडर लिए थे, बट स्टिल ही वॉज़ रूथलेस, यानी उसने लोगों पर रहम नहीं किया था, वो बस कत्लो गारत और इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की थी। तो बेसिकली ये टम्बरलेन का कैरेक्टर है जो कि एक शेफर्ड था और बाद में वो एक वॉरियर बन गया। वॉरियर भी ऐसा वॉरियर जिसके लिए फॉर्मिडेबल का वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसके बेसिकली मायने हैं कि कोई भी बहुत इंटेंस इंसान, ऐसा इंसान जो दूसरों पे इन्फ्लुएंस रखता हो किसी भी चीज़ के पर्सपेक्टिव से, ये सब हो सकता है एंड इवन मोर के वो कैपेबल भी हो, यानी उसने जितनी सक्सेस हासिल की हैं या वो रूथलेस था या इवन वो लीडर था जो भी था, बट वो उस सब चीज़ों के कैपेबल हो, तो ये वर्ड इसमें आता है। अब हम आगे आ जाते हैं प्लॉट समरी की तरफ। अब बेसिकली प्लॉट समरी इसकी इस तरह से है कि टम्बरलेन की जर्नी है ये, जो कि एक शेफर्ड से वॉरियर की तरफ गया एज आई टोल्ड यू बिफोर। एंड सिमिलरली इसमें क्या होता है कि विक्ट्री टू विक्ट्री, यानी ये एक फतह हासिल करता है, एक जगह कंक्योर करता है एंड देन वो फोर्स्ड होता है खुद से ही कि मुझे अब दूसरी चीज़ फतह करनी है, दूसरा मुल्क फतह करना है। ऐसी कोई किंगडम नहीं था जहाँ वो ट्राई ना करना चाहता हो और सारे किंगडम्स वो फिर अपने अंडर ले लेता था। और उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि जैसे जैसे उसकी पावर ग्रो हुई वैसे वैसे उसकी एरोगेंस ग्रो होती गई और यही चीज़ उसको उसके डाउनफॉल की तरफ लेकर गई। और इसी चीज़ की वजह से उसका डाउनफॉल काइंड ऑफ डिवेस्टेटिंग था, दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड एज़ के लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन पावर, के कुछ चीज़ें इंसान के सोच से, इंसान की पावर से बाहर होती हैं और कुछ चीज़, मतलब इस तरह से कि कुछ चीज़ों पर गॉड का इम्पैक्ट होता है, गॉड की उस पर, गॉड वो सब कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, लाइक आउट ऑफ रीच ऑफ मैन। इस ड्रामे की जो थीम्स हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा ये एम्बिशन एंड पावर को ये करता है डिनोट एंड टायरनी एंड मोरल एम्बिगिटी फेट एंड फॉर्चून। एम्बिशन इन पावर इसकी सबसे फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थीम है जो कि मोस्टली क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से भी आते हैं कि एम्बिशन को शो करें टम्बरलेन द ग्रेट में। तो इसकी पहले जो इसका पहला की पॉइंट है दैट इज़ इनसेटिएबल पावर। इसका मतलब ये है कि ऐसी चाहत जो कभी ख़त्म ही ना हो, यानी ऐसी भूख या ऐसी आपको कोई थर्स्ट है जो कभी भी आपकी ख़त्म ही ना होती, लाइक अ डिज़ायर टू कंकर। नेक्स्ट लाइन पे आप देख सकते हैं कि ऐसी आपको फतह का इतना ज़्यादा शौक हो गया कि अब आप बैठ ही नहीं सकते फारिग, आपको है कि बस मैं फतह पे फतह करता जाऊं रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक आपने नहीं देखा कि उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, यानी आप सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई जगह कंकर करते हैं तो ऑब्वियसली उसके डिवेस्टेटिंग पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं और इसी वजह से कोई भी कंकर ऐसी नहीं होती जिसमें मैनकाइंड सेफ रहे, बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो ये वो चीज़ बता रहे हैं कि जो टम्बरलेन का कैरेक्टर था उसने फोकस नहीं किया कि मुझे इंसानियत यानी ह्यूमन काइंड को सेव करना है, ही वॉज़ लाइक कि मुझे तो बस कंक्योर करना है और उसके लिए चाहे उसको कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े देन ही वुड। तो इसने बिल्कुल इसी तरह से किया।
सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज़ टायरनी एंड मोरल एम्बिगुटी। टायरनी का क्या मतलब होता है? टायरनी इज़ बेसिकली डिनोटिंग जुल्म। लाइक आप अगर इसका उर्दू में मतलब निकालें तो इट इज़ बेसिकली जुल्म। एंड मोरल एम्बिगुटी मतलब कि आप एम्बिगुटी क्या होती है? कन्फ्यूजन होती है, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप कन्फर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। और मोरली यानी अखलाकी तौर पर वो चीज़ बेहतर है भी या नहीं। तो फर्स्ट इसका की पॉइंट है कि अचीव्स ग्रेट मिलिट्री। ऑब्वियसली उसने इतने ज़्यादा जुल्म की वजह से या इतनी ज़्यादा कंकर करने की वजह से उसने बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बना ली थी और ब्रूटल मेथड्स यूज़ किए थे। उसकी जो कंकर थी वो कहीं से भी सेफ नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जाने गईं। और आयरन फिस्ट, यूज़ ऑफ आयरन फिस्ट इज़ बेसिकली द पॉइंट इज़ के उसका आप यूँ समझ लें उसका कहीं भी हाथ नरमी का नहीं था। लाइक उसने जो भी किया रूथलेसली किया डिस्पाइट ऑफ द थिंग्स के लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, जानों का, माल का। एंड इवन इट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट लाइक एथिक्स, के इंसान ये सोचने लग जाता है कि क्या ये एथिक्स के लिए एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है। इसी तरह से इवन कि ये ऑडियंस को भी चैलेंज कर देता है कि उनका जो परसेप्शन है राइट और रॉन्ग का, आप वो भी कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि लाइक राइट इन अ सेंस कि आप सोच रहे हो कि यार वो तो कनक्योर कर रहा है, एंड रॉन्ग इन अ सेंस कि वो रॉन्ग वे से कर रहा है। तो एक इंसान खुद ऑडियंस का जो बंदा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो इसमें वो क्या देखें, यानी ये चैलेंज है ऑडियंस के लिए। इवन थर्ड इम्पॉर्टेंट थीम इसकी है फेट एंड फॉर्चून। फेट यानी उसकी किस्मत, फॉर्चून उसकी लक, और रोल इन शेपिंग जर्नी। उसकी जो फेट थी यानी उसकी किस्मत में था कि उसने एक शेफर्ड से एक वॉरियर बनना, देन उसकी किस्मत में था कि वॉरियर से वो कनकरर बनेगा, एंड देन फिर उसका डाउनफॉल हो जाता है। और वो फॉर्चुनेट इस सेंस में रहा कि अगर वो कोई भी चीज़ कनकर करना चाहता था, लाइक कोई भी कंट्री, तो वो कर लेता था। लाइक कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो वॉर्स पे जाते हैं बट वो कामयाब नहीं होते, बट ही वॉज द मैन जो कामयाब होता है। एंड एक्सेप्शनल लीडरशिप ही हैड, एक्सेप्शनल लीडरशिप इन अ सेंस के वो जो लोगों को लीड करता था, उसके अंडर आर्मी, उसकी जो मिलिट्री थी, दे वर सो मच सपोर्टिव, और इन्हीं चीज़ों ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल करने में। और उसकी वो स्ट्रेटजीज बनाता था, ही वॉज गुड एट दिस। एंड इवन दो कि उसकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी वो भी उसकी फेट एंड फॉर्चून में उनका भी काम है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, सोसाइटी उसको क्या कह रही है, उसके घर वाले उसको क्या कह रहे हैं, या वो सोसाइटी में क्या होता देख रहा है, या कहीं भी आगे पीछे सिनेरियो क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों ने भी उसको फॉर्चुनेट बनाया। बट देन आफ्टर इट एट द एंड उसके साथ यही हुआ कि ही हैड डिवेस्टेटिंग डाउनफॉल। और डिवेस्टेटिंग इन अ सेंस कि एक इंसान जो इतना बड़ा कनकरर है, वो उसने ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जानी है और वो अपनी मौत से एस्केप नहीं ले पाता। और ये उसकी फेट थी जिससे वो भाग नहीं सकता। ये भी उसकी फेट थी कि एक वक्त पे वो दुनिया पे लाइक उसकी सल्तनत होगी, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होगा, बट देन आफ्टर इट ये भी उसकी फेट का ही पार्ट था कि एट द एंड हर अरूज को जवाल है एंड ही वुड हैव अ डाउनफॉल। ऑब्वियसली ये हुआ और उसकी जितनी भी सल्तनत थी, उसकी एम्पायर थी, दैट वॉज ऑलरेडी रूंड एट लास्ट। सो ये इसकी ये थीम्स हो गई हैं। इस ड्रामा के लैंग्वेज एंड स्टाइल पे आ जाएं तो मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है। ब्लैंक वर्ड्स बेसिकली क्या होती है अगर आपको नहीं पता, तो ये एक टाइप है पोइट्री की, एंड इन विच के रिदम फॉलो नहीं होता, राइम फॉलो नहीं होती, लेकिन मीटर का यूज़ किया जाता है। एंड मीटर्स आर द सेट ऑफ रूल्स टू लाइक सिलेबल्स को एक लाइन में, एक फ्रेज में एडजस्ट करने के लिए। एंड देन द सेकेंड पार्ट इज़ कि उन्होंने लैंग्वेज जो यूज़ की थी उसकी वजह से उन्होंने ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीचेस, लाइक ग्रैंड एंड एलोकेंट, आपको पता ही है कि एलोकेंट कहते हैं बलीग, यानी बहुत सोच और बलागत वाले जो लोग होते हैं, एंड ग्रैंड मतलब बहुत ग्रैंड एंड मैसिव। तो ऐसी स्पीचेस उन्होंने दिखाई स्पेशली टम्बरलेन की, कि उनका सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ, इवन के ऑडियंस पे, इवन के रीडर्स पे। और एट दैट टाइम वो बिल्कुल उस टाइम की पिक्चराइजेशन कर रहा था कि जब वाकई लिटरली मार्लो
ने बताया कि टम्बरलेन रियलिटी में हम जैसे अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, ही यूज सच काइंड ऑफ विविड इमेजरी एंड पोइटिक मोनोलॉग था, यानी मोनोलॉग जैसे स्टार्टिंग की वो जो लाइन्स होती हैं एंड देन पावरफुल डायलॉग्स के साथ इसने ऑडियंस को बहुत अच्छे से कैप्टिवेट एंड अट्रैक्ट एंड यू कैन से दैट कि उसने अपने साथ बिल्कुल जोड़ के रखा कि कनेक्टेड फील किया ऑडियंस ने भी। और आज तक ये जो क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जाना जाता है ट्रेजेडी के तौर पे। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज़ बेसिकली इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी, लाइक सोसाइटी पे या कल्चर पे या कहीं भी इसका क्या इन्फ्लुएंस था, इस ड्रामे की क्या लेगेसी थी। तो लेगेसी दैट वाज लाइक इट वाज इवन द फर्स्ट प्ले जिसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ इतना ब्यूटीफुली किया गया था, जो कि ऑब्वियसली ऑल द क्रेडिट गोज़ टू क्रिस्टोफर मार्लो। एंड इवन के इसने जो है लीडिंग प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथ हनेरा, इट मीन्स दैट के उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्ले राइट नहीं होते थे, ड्रामा का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, बट ऑब्वियसली पोइट्री पे लोग बहुत वर्क कर रहे थे और ड्रामा थोड़ा थोड़ा लाइक बैकवर्ड की तरफ था, डाउनफॉल की तरफ था, लोग पोइट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे एंड देन नॉवल का भी एरा आ रहा था आगे आगे। ऑब्वियसली वो रोमांटिक एज के बाद आया, बट स्टिल उस टाइम पे लीडिंग प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथ हनेरा वॉज लाइक क्रिस्टोफर मार्लो, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज दिस वर्क द ब्यूटीफुल वन द टम्बरलेन ग्रेट। एंड इवन दो के थिएटर एंड लिटरेचर पे भी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लाइक वहाँ पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक मॉडिफाइड हो गई, लिटरेचर भी सच अ मैसिव पीस ऑफ यू कैन से दैट ह्यूज इन्फॉर्मेशन एंड बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो लिटरेचर के लिए भी ये एक बहुत सक्सेसफुल वर्क था। इसके कैरेक्टर्स एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो ऑब्वियसली द मेन कैरेक्टर द लीड वन टम्बरलेन हैज़ सो ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी नॉट इन अ गुड वे, बट ऑब्वियसली उसका जो टम्बरलेन का कैरेक्टर था वॉज सो मच अट्रैक्टिव। एंड इवन दो के इसके कैरेक्टर के अंदर इतनी एक लीडरशिप, एक टायरनी, एक एरोगेंस पाई जाती थी कि एक वो जो लीडर को काइंड ऑफ अगर पॉजिटिव वे में देखें तो सूट भी करती है, बट स्टिल इट द ड्रामा हैड सम लाइक अदर नोटेबल कैरेक्टर्स, जिसमें सबसे पहला ऑब्वियसली जिक्र आएगा जो टम्बरलेन की वाइफ थी, लॉयल वाइफ, लाइक शी वॉज सो लॉयल एट लास्ट टाइम, इवन के वो लास्ट टाइम तक, टिल लास्ट टाइम सॉरी। एंड इवन दो इसका नाम जो लॉयल वाइफ का नाम था ज़ीनोक्रेट एंड शी वॉज सो गुड, एंड इवन दो द जनरल्स लाइक ऑल द जनरल्स जो कि टम्बरलेन के इर्द गिर्द थे, जितने भी कंकर्ड एनिमीज़ यानी जितने भी किंगडम्स को उसने कंकर कर लिया था, वहाँ के जो एनिमीज़ थे उनके भी कैरेक्टर्स बहुत डिग्निफाइड हैं। इवन दो के जो चैलेंजर्स थे, जो चैलेंज करते थे आके टम्बरलेन को, और जैसे जिनके ऑब्वियसली मुकाबला करते थे वो उसके साथ, तो उनके भी कैरेक्टर्स बहुत ही बेस दिखाए हुए हैं। और ये जो थे वो उसको रूल को, उसके रूल को यानी उसकी जो एम्पायर थी उसको चैलेंज करते थे। तो ये जो सब कैरेक्टर्स थे इनका आपस में रिलेशनशिप था, इन कैरेक्टर्स ने कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई हैं लाइक लॉयलिटी में भी, लव में भी, बिट्रेल में भी, लाइक कहीं ना कहीं धोखा भी था। थिएट्रिकल स्पेक्टेकल, लाइक कैसे वो एक स्पेक्टेकुलर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बन गया ऑडियंस के लिए, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एपिक बैटल। लाइक थिएटर में एपिक बैटल्स यानी ऐसी लंबी लंबी जंगें दिखाई गई एंड एक्स्ट्रा वर्जन प्रोसेशंस यानी प्रोसेस्ड थी वो, एंड एम्बिशियस स्टेजिंग यानी जितने भी उसके कैरेक्टर्स थे दे वर पार्टिसिपेटिंग, तो वो सब लोग इतने ज़्यादा खुद से डिवोटेड थे इस चीज़ को लेके, उस प्ले को लेके, कि उस प्ले को उन्होंने खुद से डिग्निफाइड कर दिया। एंड देन बेसिकली जो उन लोगों ने विजुअल एलिमेंट्स यूज़ किए वो आपको बिल्कुल टम्बरलेन के सिनेरियो में ले जाते हैं वापस, इवन दो के इंटेंसिव मोमेंट्स थे जहाँ पे आप इमोशंस फील करते हैं, लाइक जिसको हम कैथारसिस एक्सपीरियंस भी कहते हैं कि उन्होंने फील किया था इमोशन, एंड मेमोरेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, कि ये एक मेमोरेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बन गया फॉर ऑल द ऑडियंस जिन्होंने भी वो ड्रामा देखा था उस टाइम पे एलिजाबेथ हनेरा में। तो ये एक सच अ मास्टरपीस, दिस ड्रामा इज़ सच अ मास्टरपीस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, और उनकी ग्रेट राइटिंग की वजह से ये जो प्ले है आज तक इम्पॉर्टेंट है, और इवन के हमारे कोर्स आउटलाइन में भी होता है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ ओनली द रीज़न के क्रिस्टोफर मार्लो का ये
मास्टरपीस है जो कि हम लोग आज रीड कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल टेम्बरलेन के एरा में ले जाता है कि कैसे वो एक कनकरर था, कैसे वो एक पहले शेफर्ड था, देन कनकरर बना, वॉरियर बना एंड स्टिल। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी देन डू टेल अस इन कॉमेंट बॉक्स बिलो, एंड इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट देन ऑल्सो टेल अस, सो वी विल श्योरली मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइज ऑन योर रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।